कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई है आपके रेट से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो मैं आपको पहले इनसे इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये मानसी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो यार आज के टाइम में आपको पता है रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, धोखा धड़ी चीटिंग ये वो ये सब है, जिसकी वजह से ना रिलेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना चल नहीं पाता है। तो क्या हुआ था कि इसने मुझसे शेयर की थी अपनी प्रॉब्लम की, यार मेरा जो बंदा है ना क्या करता था, पहले तो सारा दिन मिलने के लिए रेडी रहता था, एक कॉल किया और एक फ़ोन पर बंदा कहाँ से कहाँ आ जाता था मिलने के लिए। अब क्या होता है यार, रात रात भर फ़ोन इसके वेटिंग में जाते हैं। तो ना आज ना हमने उसे लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए बुलाया कि बंदा एक्चुअल में इसके लिए सीरियस है या नहीं है। तो यार बिल्कुल सही बात है यार, छोटी बहन जैसी है, बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं साथ नहीं दूंगी तो उसका कौन देगा। तो हम जस्ट इस एक लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं आज कि अगर बंदा इसके लायक होगा तो हम कंटिन्यू कराएंगे रिलेशनशिप, अगर नहीं होगा तो हम जयराम जी की यार। नहीं नहीं यार, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, मुझे वही चाहिए अब। तो इसको ऐसा लग रहा है यार, एक बात बताओ, जब बंदा मेरे से सिर्फ दो दिन इंस्टाग्राम पे बात करने के बाद रो रेडी हो गया मेरे से मिलने के लिए, तो देखते हैं कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है वो बंदा मेरे से एज अ फ्रेंड बात कर रहा हो, क्या पता वो मेरे लिए ना उस इंटेंशन से देख रहा हो, लेकिन हो भी सकता है ना, क्या पता धोखा भी दे रहा हो इसको, लॉयल ना हो, फ्लर्ट व्लर्ट करेगा क्या करेगा पता नहीं वीडियो में। और मैंने मिलने बुलाया उसको, तो मैं एक बार उसको फ़ोन लगा लेती हूँ, वो अभी कहाँ पहुँचा है, जैसे वो यहाँ से आएगा इनको छुपा देगा यार, थोड़ा पता लगेगा कि इसने मेरे से ना बहुत हेल्प मांगी थी, तो मैं ना थोड़ा बिजी थी, मैं इसकी हेल्प कर नहीं पाई थी। अब देखते हैं क्या होता है वीडियो में। उम्मीद करती हूँ यार बंदा सीरियस हो। सीरियस है यार, वो सीरियस है, कुछ नहीं है ऐसा। लेट्स हेलो अनुराग, कहाँ पहुँचे? पार्क के पास आ गए। ठीक है आ जाओ, लाइव लोकेशन भेजने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, 5 मिनट में आ रहा हूं। चलो ठीक है आ जाओ। ओके यार एक काम करो, वो पार्क में एंटर कर गया, तो तुम एक बार उधर चल जाओ, दूसरे वाले गेट से निकल जाओ बाहर, मैं कॉल करके बुला लूंगी जब आना होगा। ठीक है, तो यार बंदा आने वाला है, तो यार कैमरा यार एक थोड़ा सा हाइड कर लेना, आज तगड़ा लॉयल्टी टेस्ट होने वाला है, क्या होता है देखते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि हर कोई चाहता है एक स्टेबल इनकम हो जाए, एक उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ग्रेट आइडिया है जिसे मैं भी फॉलो कर रही हूँ। तो आजकल के इस दौर में स्पोर्ट्स पर बैटिंग करके अर्निंग करने का तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यार, तो स्पेशली IPL टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उन पर बैट करके लोग खूब सारे पैसे कमा रहे हैं, तो मैं भी इसी से थोड़ा बहुत अर्न कर रही हूँ यार। तो मेरा एक दोस्त है जिसका एक चैनल है बैटिंग से रिलेटेड ही, जहाँ पर बात होती है, उसका नाम है स्मार्ट बैटिंग। तो गाइज, जो मेरा दोस्त है जो इस चैनल का ओनर है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और जो मेरा दोस्त है इससे पहले वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था जॉब पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था बट अर्निंग हो नहीं पाती थी, पर फाइनली उसने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ को ना चेंज किया जाए, उसने एक चैनल बनाने का डिसीजन लिया था। तो यार स्पोर्ट्स से बैट से रिलेटेड, तो वो सब कुछ जानता है कि गेम कैसे फिक्स होती है, और सबसे ज़्यादा क्रिकेट की उसको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। तो गाइस अब वो दुबई में चिल कर रहा है आराम से, और वहीं रहकर काम कर रहा है, तो वो भी एक फ़ोन से यार। तो मैंने देखा है कि इंडिया में इस खेल में सबसे ज़्यादा मजा हुआ खिलाड़ी है यार बैटिंग के मामले में, और 10,000 से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़कर बैट करके अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं भी यार अर्निंग कर रही हूँ इसी तरीके से, तो आप लोग भी अर्न कर सकते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, आप उसको फॉलो करके उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कंपनी में आप अपने अकाउंट में बैलेंस फिल कर सकते हो पेटीएम के थ्रू, और जीते हुए पैसे को पेटीएम के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी है। तो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जाकर चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गया हुआ है, और खूब सारा पैसा कमाओ। तो यार बंदा आ गया है, और अरे कैमरा थोड़ा हाइड कर लेना। ओ हाय, गुड यार, आप कैसे अनुराग? बढ़िया, तुमसे मिलने तो और अच्छा। सही है सही है, मेरे से मिलके वैसे ना लोग अच्छे हो जाते हैं। वेट कर रही हूँ तुम्हारा, कब से तुम बड़ा वेट कराते हो? मैं बस थोड़ा सा बिजी, मेरा फ्रेंड आ गया था। हर बार ऐसे वेट कराओगे क्या? नहीं नहीं, पहली बार तो मिल रहा है। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच यार, नाइस यार, नाइस फैशन यार, बढ़िया। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा कॉम्प्लीमेंट दिया। और बताओ कुछ अपने बारे में, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, रिलेशनशिप एंड ऑल, क्या है सीन? थोड़ा बहुत काम और रिलेशनशिप, सिंगल यार। सिंगल लगता नहीं यार, तुम इतने हैंडसम लगते हो दिखने में, इतने सही हो, गुड लुकिंग हो यार तुम, और सिंगल लड़की में वही सिंगल है आजकल।
मुझे लग नहीं रहा था ऐसे, तुम्हारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक की ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा 100% यार एक दो बंदियाँ तो घुमा ही रहा होगा। मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने भी आओगी या नहीं मिलने आओगी, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर हो तुम, तो मुझे लगा नहीं तुम आओगी। नहीं तुम भी कोई कम थोड़ा हो, अच्छे लग रहे हो तुम, बट मेरे को ये लग रहा था कि पता नहीं कितनी लड़कियों से मिलते होगे तुम। यार नहीं है यार, एक भी नहीं है, सिंगल था 2-3 दिन, मतलब 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लड़ाई बड़ाई होने लग गई थी तो वो सारी चीज़ें तो खत्म करना, ज़्यादा अच्छा लगा तो कर दिया। कभी एक अच्छी सी लड़की कोई मिल जाए तुम्हारे टाइप की, तो मेरे टाइप की, टाइप इन द सेंस की कोई सुंदर सी लड़की। चलो सही है, वैसे लग नहीं रहा था कि तुम सिंगल हो, मेरे को लग ही रहा था कि बंदे की कोई बंदी बंदी तो होगी यार, कोई सीरियस रिलेशन या फिर कुछ तो होगा ही, सोचा नहीं था कि तुम भी सिंगल। अच्छा मिंगल होने की तैयारी में आए हो मतलब, है ना? सीरियस ही था लेकिन वो कुछ लड़की वड़की ज़्यादा थी, अच्छा तो उस वजह से ख़त्म करना पड़ा। तुम बताओ। बस मैं सिंगल हूँ यार, मेरा 6 मंथ्स पहले ही ब्रेकअप हो गया था, सीरियस था थोड़ा। हाँ। तो फिर उसके बाद यार एक हो जाता ना कि बंदा डर सा जाता है रिलेशनशिप में आना ना आना, तो ऐसे ही ये ऊपर नीचे चलता ही रहता, तो मैंने कहा चल छोड़ यार इसमें कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है। बट मैंने अभी थोड़ी सी ना थिंकिंग चेंज कर दिया यार कि मिंगल, अभी तो सिंगल नहीं, अभी मिंगल होना है ना अभी। हाँ सोच रही थी कि हाँ चलो देखते हैं। इस टाइप का मतलब लड़का, लड़का क्यूट सा होना चाहिए यार थोड़ा ना, लड़कियों की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, लॉयल रहे लड़का थोड़ा, क्योंकि आ तुम्हें तो पता है यार सिर्फ दिखने में अच्छा कुछ मैटर नहीं करता। अब बताओ लड़का होगा इतना दिखने में इतना स्मार्ट गुड लुकिंग, अब उसका दिल ही ऐसा होगा मन में पाप और देगा लड़कियों को धोखे, तो कैसे मन करेगा यार किसी के साथ रुकने का, है ना? तो वही रिलेशनशिप है ना लंबा टाइम चल नहीं पाता है, तो मैं वही कोई ऐसा अच्छा सा बंदा देख रही थी यार कि थोड़ा सीरियस टाइप घर बसाने वाला। तुम्हारे हाथ बड़े अच्छे हैं, तुम रिंग्स, तुम्हारा फैशन बड़ा अच्छा लगा मुझे, नाइस वॉच। क्या है ये? तुमने कहा था तुम ऑफिस में हो, कौन है ये? अरे मैं कौन है? इसमें था, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम बताओ तुम इसके साथ क्या कर रहे हो यहाँ पर? कौन है ये? मैं ऑफिस में था तो मेरे फ्रेंड कुछ आने वाला था, तो यार फ्रेंड क्या आने वाला, ये फ्रेंड है? अभी तो तुम यार रिलेशनशिप की बात कर रहे हो मेरे साथ। अरे तुम मत बोलो ना यार। मैं क्या यार, तुम मत बोलो, वो बोलेगी। अरे कुछ नहीं, तू गलत समझ रही है यार। तुम रिलेशनशिप में हो, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। मत बोलो, वो गुस्सा होगी। मैं क्यों ना बोलूं? गुस्सा होगी क्या होगी यार, जो सच्चा वो बताओ ना। जो मैसेजेस करे थे वो सब मैं बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, तुम तो यहाँ पर इसके साथ बैठे हो। मैं सच में बिजी था। ये बिजी थे तुम, ये काम कर रहे थे तुम। तुम बता दो ना यार, सुनो हम लोग ना अभी रिलेशनशिप में आने की बात कर रहे हैं। तू कौन है? मैं इससे बात कर रही हूं ना अभी। ऐसे मत बोलना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो यार सच है ना, जो बता हो रही है तुम्हें, मेरे प्यार की कोई फिक्र नहीं है जो तुमने मेरे साथ वादे कसमें करे थे? समझ रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं? नहीं है ऐसा कुछ, हम बस हम यहीं पे मिले थे कुछ ज्यादा। वाओ, जो तुमने मेरे से वादे करे, कितने प्यार करता हूं तुम्हारे लिए, वो करूंगा, सब झूठ है। क्या ड्रामा है ये? बहुत अच्छा, मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है, मन कर रहा है तुम्हें ना। मैं दोस्त हैं बस, यार तू हम तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हम दोस्त हैं ये बताओ पहले तो यार। यार दोस्ती तो है, अगर तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तुम्हें बताना चाहिए था ना। तूने मुझे क्या च्युइंगम सब दिया, जब मन करा जब चबा ले, जब मन करा फेंक दिया? कुछ नहीं है साले, तूने क्या समझाया मेरे को? यार तुम पहले क्लियर कर देते ना रिलेशनशिप में हो, मैं कुछ बोल थोड़ा रही थी तुम्हें। अगर तुम सीरियस रिलेशनशिप में हो, प्यार करते हो तो सीरियस तुम रहते ना लॉयल। चुप कर, इसका बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बोलेगा ये? क्या है तुम्हारे पास बोलने के लिए, बताओ क्या बोलना चाहते हो? तुम कुछ बोले जा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे, वो बस मेरी फ्रेंड है। हम दोस्त में, हम दोस्त क्या, क्या हम दोस्त? दोस्त ये दोस्त होते हैं, हाथ पकड़ के बैठे उसके बता रहे हो, उसकी रिंग के बारे में उसकी तारीफ कर रहे हो। अरे हाथ पे कुछ लगा हुआ था ना, मैं बस हटा रहा था ऐसा। अच्छा हाथ में क्या लगा हुआ था, दिखाओ मुझे उसके हाथ में क्या लगा हुआ था। यार क्लियर बोलो क्या चीजें है, तुम कितने टाइम से रिलेशनशिप में हो? तुम 5 साल से हम रिलेशनशिप में हैं और तुम ऐसा कर रहे हो, शेम ऑन यू यार, ऐसे कौन करता है? ये मैसेजेस जो हम तुम मुझे करते हो, जो बताते हो कितने मैसेजेस, कितना दिखाते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मतलब तुमने जो मेरे से वादे करे कि तुम मेरे लिए वो करोगे, उस क्या था वो सब? वो ऐसे ही था, मतलब कुछ था ही नहीं उसका मतलब। तू बात सुनने को वो नहीं है, वो मेरी बस फ्रेंड है। मैं तुम्हारी बात क्या सुनूं? तुम ये बताओ, तुमने बोलो ना हम फ्रेंड है। मैं ऐसा क्यों बोलूं जो उसने जो सच है वो बोलूंगी ना मैं, क्यों बोलेगी? तुमने अभी मुझे ये चीज बोली ना कि मैं रिलेशनशिप में आना चाहता हूं, बाद में क्या बात करेगी? अभी बोलो क्लियर, पता नहीं तुम्हें, मतलब दो लड़कियां साथ में चलाना चाहते हो? वाओ, तुम क्या समझते हो, एक को एक से पैसे कमा लूंगा, एक को अपना वो एक से जो मेरे लिए कुछ कर लेगी, मतलब मत बोल यार। क्या इतना ना बोलूं, ये सब मजाक चल रहा है, 5 साल मजाक चल रहा है, तू चुप कर। 5 साल मजाक चल रहे थे, क्या चल रहा था 5 साल बता मुझे? 5 साल ऐसे क्या चुटकियों में निकल जाएंगे और फिर आ जाएंगे? मैंने 5 साल तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ, मैं जो करती हूँ ना कमारी तुम्हारे लिए कमारी, तुम्हें बाद में कुछ अच्छा मिल सके, क्या है ये?
मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुनूं मैं तेरी बात? हम दोस्त। तूने बहुत, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, ये सुनूं मैं तेरे लिए? हम बस दोस्त हैं, हम बस साथ पकड़ाओ हाथ मत यार, मैंने बस इसका हाथ। अच्छी बात है, मैं चाहती हूं, मेरे को, मैं बहुत खुश हूं कि तूने ये सब किया। अच्छी बात है, तेरे मेरे को ना बोलने के लिए भी कुछ नहीं, मैं तुमको क्या बोलूं। और वैसे भी तुम इतने 5 साल से रिलेशनशिप में रह के उसके नहीं हो तो मेरे कैसे हो जाते? जब तू मेरे साथ ये कर सकता तो तू उसके साथ क्या, वो तेरा भी नहीं हो सकता। तुझे लगता है तेरे साथ कुछ करेगा? नहीं, तेरा भी नहीं हो सकता। ये दिख रहा है मुझे, जब ये 5 साल मेरे तुम लॉयल हो उसके साथ, ये फ्लर्ट तुम मुझ पे कर रहे हो, तुम उसके साथ लॉयल हो? थोड़ा रुक, तुझे पता है लॉयल्टी मतलब क्या होता है? चुप कर भैंचोद, क्या पता है तेको लॉयल्टी मतलब क्या होता है? क्या होता है ट्रस्ट? क्या होता है ट्रस्ट? हम फ्रेंड हैं, हम फ्रेंड हैं ना। शीशा है जब मन चाहे जब नॉक नॉक करते। एज अ फ्रेंड मैं आई थी यहाँ पे, लेकिन इसने मुझ पर फ्लर्ट किया। इसने बोला कि हम रिलेशनशिप की बातें कर रहे थे, कि ये इन्होंने बोला मैं सिंगल हूँ, मेरा 3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, ये बातें हो रही थी। 3 महीने पहले कुछ मतलब मेरे साथ मजा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा बिजी हूँ अपने काम में, ऑफिस में, तो मतलब तू किसी और लड़के साथ मजे कर ले, ये सोचा तूने? मैं तेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करी, अब थोड़ा बिजी। अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ होता है या नहीं होता? बहुत ऊपर ले जा रही है क्या? बहुत ऊपर लेके जा रही हूँ, तेरी सच्चाई बता रही हूँ उस लड़की को मैं। एंड टू बी वेरी क्लियर, तेरे साथ भी वही करे। टू बी वेरी क्लियर, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं वीडियो शूट करती हूँ, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोग एक लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे तुम पर, समझे? भरोसा नहीं तो मेरे पे, मेरे को तेरा देख रहा था कि तुझे कितना भरोसा है। भरोसे की बात कर रहा है? भरोसे की तो बात ही मत कर, मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा तो। मैं तुम मेरा दोस्त हो? हम लोग दोस्त है, और हम लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे कि तुम कितना सीरियस हो अपनी, जिससे तुम प्यार करते हो बोलते हो। यार कोई गलत नहीं किया, YouTube पे क्लिप जाएगी, अब पता लगेगा कि यार जैसे सभी बदनाम हो जाते हैं, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अगर उसके साथ सीरियस थे, रिलेशनशिप में थे उसके साथ, तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो क्या? बात तुम बात करने लायक नहीं रहे, तुम्हारे पास बात क्या करेगा ये बात करेगा, भूल जा बात करेगा ये। और जब तुम इसके नहीं हो तो मेरे कहाँ से होगे? और मेरे क्या किसी के भी, किसी लड़के के कहाँ से हो जाओगे? लड़कियों को तुमने ना ये समझ रखा, जब मन चाह जब यूज करा, जब मन चाह जब फेंक दिया। हम कोई लड़कियाँ इस, हम लड़कियों को ना कमजोर मत समझना। अब मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, जो तुम सोच भी नहीं सकते। अरे मेरी बात तो सुन एक बार मेरी बात। हाथ मत लगा मेरे को। गलत ले रही है, बात तो सुन मेरी एक बार। चुप हो जाओ, कोई नहीं। यार मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बात सुनेगी जब तो कुछ मैं बात कर पाऊंगा ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज आज के बाद इससे दूर रहना। बोल तो तुम इसे तो यार कुछ नहीं, मैं उसे बात समझाऊंगा यार, मैं उसे ये समझाऊंगी रहे उसके साथ और धोखे खा, ये समझाऊंगा उसे। शर्म आनी चाहिए यार तुम जैसे लड़कों को, यार लड़कियों का दिल दुखाते हो, क्या समझ के रखा है तुमने लड़कियों को? क्या समझा है यार, थोड़ी तो शर्म करो यार, घर पे माँ बहन नहीं है क्या? बिल्कुल मैंने तेरे ये उम्मीद करी ही नहीं थी कि तू ऐसा कुछ करेगा। इंसानियत मर चुकी है क्या अंदर? भगवान ने एक दिल दिया होता है ना सबको, नहीं है क्या वो दिल तुम्हारे पास? रूह नहीं कांपती किसी लड़की को चीट करते हुए? अरे तुमसे नहीं निपटी तो छोड़ो ना, बना आते ही तो बता देता यार, मैं लॉयल हूं अभी। प्लीज स्टे अवे और निकलो यहाँ से प्लीज, मुझे तुझे से बंदा चाहिए ही नहीं। चुप चुप, चल रहे हैं चलो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो ये एक छोटी सी रियल स्टोरी थी मेरी दोस्त की, तो आप लोगों से शेयर कर दी। और हाँ प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज है बाकी सब लड़कों के लिए, प्लीज़ किसी भी लड़की का दिल ना दुखाओ यार, हर किसी की इज्जत करो, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन है यार, अगर उनका कोई दिल दुखाएगा, कोई किसी के साथ इतना बुरा करेगा, धोखा देगा, तो आप सोच सकते हो ना कितना बुरा लगेगा। तो किसी को भी प्लीज़ हर्ट मत करो, और जैसे को तैसा तो आप लोगों ने सुना ही है यार, तो आप जैसा करोगे ना वैसा भरोगे, जितना बुरा करोगे ना किसी के साथ आगे आएगी ही आएगी। तो प्लीज़ लड़कियों की इस रिस्पेक्ट करो बहुत ज़्यादा। बस एक छोटा सा मैसेज भी मिल गया इस वीडियो से आप सब लोगों के लिए, और मैं ये नहीं कह रही यार सब लड़के एक जैसे, बहुत सारे लड़के अच्छे भी है दुनिया में यार, और मेरे भी बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं यार जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो कुछ लड़कों की, बहुत रेयर लड़कों की वजह से ना सारे लड़का जाति खराब हो जाते हैं यार। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेगी, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।